आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अच्छा बताइए, आपको याद तो है ना कि अब आज से 2 दिन बाद करवा चौथ है, यानी कि फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा उत्सव, जब वो अपनी डिमांड्स रखती हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए फास्टिंग करती हैं। तो आपको बस यही करना है कि 3 दिन लगातार हमारे साथ फैमिली गुरु पे करवा चौथ उत्सव देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपकी फैमिली, आपकी सास, आपके हस्बैंड, आपकी खुद की सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के खास उपाय, करवा चौथ स्पेशल उपाय। देखते रहिए हमारे साथ फैमिली गुरु। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइन से। करवा चौथ पर सास से संबंध सुधारने वाले आसान उपाय मुझसे जानिए। करवा चौथ से जुड़ी खास पूजा श्रृंगार कैसे करना है पूरी जानकारी दूंगी। मछली घर से घर में आएगा पैसा और सौभाग्य खास तरीका बताने वाली हूँ। शरीर की कई समस्याओं को दूर करने वाले खास उपाय लेकर आई हूँ। तो करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? कपड़े वगैरह ले लिए ना आपने? अच्छा, पूजा की थाली कैसी होनी चाहिए? क्या क्या सामान होना चाहिए पूजा की थैली में, ताकि कोई कमी ना रह जाए? ये सारी जानकारी आपको आगे देने वाली हूँ, कहीं मत जाइएगा। लेकिन पहले सास बहू का रिश्ता तो अच्छा कर लें। तो जानते हैं क्या खास कर सकते हैं आप करवा चौथ पर, ताकि सास बहू का रिश्ता हो जाए अच्छा। देखिए, करवा चौथ के व्रत की शुरुआत कैसे होती है? सास की सरगी से ही शुरुआत होती है ना? तो मैंने भी सोचा कि अपने एपिसोड की, यानी कि करवा चौथ स्पेशल में शुरुआत करते हैं सास बहू के रिश्ते की। ज्यादातर मैं देखती हूँ, सुनने में भी आता है कि सास बहू के बीच बहुत चिक-चिक चलती है। तो करवा चौथ पे चाहे बहू ही उपाय कर सकती है या सास ही उपाय कर सकती है, ताकि आपसी रिश्ते में मिठास आए, आपस में घर में चिक-चिक हो जाए कम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ये देखिए, आपको इस तरह से अपनी सास की फोटो हाथ में लेनी है, या सास अपनी बहू की फोटो हाथ में ले सकती है। हाथ में फोटो लेकर आपको 108 बार रोज बोलना है लगातार 47 डेज तक। क्या बोलना है? फोटो देखकर बोलनी है आई एम सॉरी आई लव यू, आई एम सॉरी आई लव यू। ये इस तरह से सोचिए कि आपको फोटो को देखकर यही बात आई एम सॉरी आई लव यू 108 बार बोलना है लगातार 47 डेज तक। बस आप जो वाइब्रेशंस देंगे वही आपको मिलेगी। तो जब आप उनकी तस्वीर देखकर बोलेंगे तो उनके मन में भी यही विचार पहुंचेंगे। और शर्त यह बात है कि 47 डेज में आप दोनों का रिश्ता बहुत मिठास भरा हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आप और क्या कर सकते हैं सास बहू के रिश्ते को बेटर करने के लिए। ये काम सिर्फ बहुओं को करना है जो आप बताने जा रही हूँ। आप दोनों का रिश्ता बहुत मिठास भरा हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आप और क्या कर सकते हैं सास बहू के रिश्ते को बेटर करने के लिए। ये काम सिर्फ बहुओं को करना है जो आप बताने जा रही हूँ। पूर्णमासी पर, मतलब आप जो पूर्णमासी बीत गई इसके बाद हर पूर्णमासी पर करवा चौथ पे तो ये करना ही है व्रत खोलने के बाद, और सुबह सरगी खाते समय भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हर पूर्णमासी को ये उपाय आपको दोहराना है। आपको क्या करना है कि सास को रसगुल्ले खिलाने हैं। क्यों खिलाने हैं? देखिए, सास यानी कि चंद्रमा का प्रतीक, और लिक्विड यानी कि रसगुल्ले का जो रस है वो भी चंद्रमा का प्रतीक है। सफेद रंग गोल शेप भी चंद्रमा का प्रतीक है, और पूरा चंद्रमा बेस्ट पावरफुल होता है। तो जब आप अपने हाथ से और अपने पैसों से अपनी मदर इन लॉ को रसगुल्ला खिलाएंगे, खास तौर पे करवा चौथ के दिन, और उसके बाद रिपीट करेंगे हर पूर्णमासी पर, तो आपकी सास आपकी माँ जैसी हो जाएगी। जानते हैं अपनी बहू को खुश करने के लिए, बहू के मन में मिठास लाने के लिए सास क्या कर सकती है? सास को अपनी बहू को करवा चौथ पे जब आप सरगी देंगे, सामान देंगे, तो आप अपनी बहू को गिफ्ट भी तो दे सकते हैं ना। तो क्या गिफ्ट दें अपनी बहू को? अपनी बहू को गुलाबी माला भेंट करें। आप अपनी बहू को अच्छे से व्हाइट तुरमुली का, या व्हाइट या फिर पिंक तुरमुली का, या पिंक रोज क्वार्ट्ज का आप माला दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माला देते हुए अजीब लगेगा, वो सोचेगी अरे इस बार क्या हो गया जो अचानक माला दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी बहू को पिंक फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। अगर पिंक फ्लावर्स गिफ्ट भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पूजा के समय अपनी बहू के आसपास गुलाबी फूल रख दीजिए, उतना भी काम कर देगा। तो कोई भी पिंक चीज अगर आप करवा चौथ के त्योहार पर अपनी बहू को गिफ्ट करते हैं, चाहे वो पिंक दुपट्टा हो, पिंक माला हो, पिंक फूल हो, तो आपके बहू के मन में आपके लिए बहुत सारी इज्जत आ जाएगी, क्योंकि पिंक कलर शुक्र का रंग है, और शुक्र को आप जितना खुश रखेंगे आपकी बहू आपसे उतना ज्यादा प्रेम करेगी। अब मैं बताती हूँ और क्या कर सकते हैं मदर इन लॉज अपनी डॉटर इन लॉज को खुश करने के लिए। आप अपनी बहू को ना, अभी तो आप चलने दें, इसके बाद से करवा चौथ के बाद से हर बुधवार को
अपनी बहू को हरी मीठी चीज खिलाएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी बहू को अच्छी मीठी इलायची दे सकते हैं गिफ्ट। आप अपने घर में पिस्ते वाली बर्फी ला सकते हैं और प्लेट में लगाकर अपनी बहू को बोल सकते हैं कि लो टेस्ट करके देखो कैसी है। तो हरी मीठी चीज आपको अपनी बहू को खिलानी है तो आपकी बहू बुध बन जाएगी, यानी कि आपकी बेटी की तरह आपके लिए बन जाएगी। तो जैसे बेटी की बात का माँ बुरा नहीं मानती, वैसे ही आपको अपनी बहू की बात का बुरा लगना बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आप और क्या कर सकते हैं। सारी मदर इन लॉज अपनी बहू को इत्र उपहार में दे। अगर आपकी बहू इत्र नहीं लगाती कोई बात नहीं, परफ्यूम तो लगाती है, तो अपनी बहू को परफ्यूम गिफ्ट करें। कब गिफ्ट करें? शुक्रवार के दिन गिफ्ट करें। इससे आपकी बहू से आपका अटैचमेंट बढ़ने लग जाएगा, आप दोनों के बीच प्यार बढ़ने लग जाएगा। भाई सारा काम सिर्फ मदर इन लॉज को तो नहीं करना है, कुछ तो बहुएं भी करेंगी। तो बहुएं क्या कर सकती हैं अपनी सास को खुश करने के लिए, सुनिए। आप अपनी मदर इन लॉ के कमरे में ना एक छोटा सा हरा पौधा लगा दें। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, आप बैम्बू प्लांट लगा सकते हैं। बस अपने पैसों से और अपने हाथों से अपनी मदर इन लॉ के कमरे में कोई छोटा ग्रीन प्लांटर लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि उनके कमरे में इनफ वेंटिलेशन नहीं है, हरे पौधा मर जाएगा, कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल प्लांट खरीद कर ले आए, वही अपने मदर इन लॉ के कमरे में लगा दें। और अगर आपको डायरेक्शंस का आभास है तो आप उनको ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, पौधे को ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। इससे आपकी मदर इन लॉ आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी, आपकी हर बात को काटना बंद कर देगी, और अगर वो आपकी बुराई करती है ना तो ये भी बंद हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ बहुएं और क्या कर सकती हैं अपनी सास के मन में प्यार जगाने के लिए। आप अपनी मदर इन लॉ के कमरे में ना गुलाबी बल्ब जलाएं। वैसे तो अब सब कंपनीज में LED पिंक बल्ब आते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो पिंक बल्ब लाने में, कोई बात नहीं, आप अपनी मदर इन लॉ के कमरे में पिंक बल्ब लगा सकते हैं साउथ डायरेक्शन में, और रेड बल्ब भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर व्हाइट कलर का पेपर चिपका दीजिए, बटर पेपर, जिससे उसमें पिंक रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इससे भी आपकी मदर इन लॉ आपकी बात सुनना शुरू कर देंगी। आपके हस्बैंड से यानी कि अपने बेटे से आपकी बुराइयां करना बिल्कुल बंद कर देंगी। अच्छा एक बात बताइए, जब आप मूवीज में एक्वेरियम देखते हैं तो ऐसे लगता है ना कि काश हम अपने घर में भी एक्वेरियम रख सकें। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक्वेरियम रखने से आपके घर में पैसा आ जाएगा तो आपको जानकर कितनी खुशी होगी। आप फट चले जाएंगे मार्केट कि इस बार तो हम दिवाली की सजावट पर एक्वेरियम लगाएंगे घर में। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगी, इससे पहले करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास और बातें भी तो जानिए। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पूजा की थाली है। आपको क्या करना है कि पूजा की थाली में आटे का एक दीपक बनाकर रख लेना है, उस पर आपको कलवा बांध लेना है यानी कि मौली बांध लेनी है। आप बाजार में भी जाकर दीपक ला सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक अच्छा रहता है। साथ में एक पानी का ग्लास या लोटा रख लेना है और इस पर भी आपको कलावा यानी कि मौली बांध लेनी है। अब मैं आपको जोड़ती हूँ इसमें खास चीज, अगर आप मौली के साथ राउंड बांधते हैं दीपक पर भी और अपने लोटे पर या अपने ग्लास पर भी, तो इससे आपके हस्बैंड के साथ आपका प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस मौली का लास्ट में हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ये तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन पहले समझ जाइए कि हमें 7 राउंड काटने हैं, 7 बार घुमाना है उसको। अब इसके अलावा आप क्या करें कि आप माचिस और माँ गौरी को चढ़ाने के लिए नारियल और फैनिया इत्यादि भी इस थाली में थोड़ा सा रख लीजिए। अब फिर और क्या करेंगे, पूजा की थाली में इसके अलावा आप वो रख सकते हैं जिसके ऊपर जल भरी आप हथेली घुमाकर महिलाएं संकल्प लेती हैं, आप इसके ऊपर वो ढक्कन भी रख सकते हैं। या फिर आप व्रत खोलने के बाद सास को जो गिफ्ट देना चाहते हैं, जो भेंट देना चाहते हैं, वो भी आप इस पर रख सकते हैं। मैं आपको एक बार और बात बताऊंगी क्या क्या आइटम आप दे सकते हैं और क्या उसका रेलेवेंस है ये भी जानते हैं। जैसे आप बादाम जरूर दे सकते हैं, वो होता है जिसको हम पूछ कर बया में देते हैं मदर इन लॉ को, तो बादाम रख सकते हैं क्योंकि बादाम भी अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, पूरे कंप्लीट है। तो चाहे आप 100 ग्राम बादाम रखें, 15 बादाम रख लें, एक मुट्ठी बादाम रख लें, लेकिन रख जरूर लें। इसके अलावा मट्टी जो कि पूर्णता का प्रतीक है, मिठाई क्योंकि मीठा तो जरूर देना चाहिए, जिसमें आप मुरब्बा फ्रूट्स यानी कि जो मीठी चीजों का प्रतीक है वो रख सकते हैं। ये आइटम्स आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए क्योंकि आप ये मनस के यानी कि ये बया के तौर पर अपनी मदर इन लॉ को ही देने वाले हैं। अब इसके बाद अगर शादी के बाद पहला बया बहू के परिवार वाले देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे रीति रिवाज तो सबको पता होते हैं, हिंदुस्तान है आखिर, तो ये जो पहला बया होता है यानी कि जो पहली गिफ्ट देते हैं मदर इन लॉ को, ये लड़की वालों के पेरेंट्स ही देते हैं। लेकिन अगर आपसे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट डिमांड कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स कर नहीं पा रहे, तो कुछ चीजें आपको
हिम्मत से अपने आप एक्सप्रेस कर देनी चाहिए कि नहीं, हम इतना ही कर सकते हैं। अंदर ही अंदर घुटकर पिसने से झूठी शान को एक परंपरा की तरह फॉलो करने से तो अच्छा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दें, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी। लेकिन खैर, हम वापस आते हैं पूजा की थाली और श्रृंगार की बातों पर। तो पूजा की थाली अब समझ गए, इसके ऊपर आपको कपड़ा ढककर ये सारी आइटम जरूर ऐड करनी है। बादाम तो जरूर ऐड करें, इससे आपके हस्बैंड की उम्र और लंबी होगी और आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। करवा चौथ की बात हो रही है तो श्रृंगार की बात मैं आपसे कैसे ना करूं, तैयार तो आपको होना ही पड़ेगा। तो क्या सही तरीका है तैयार होने का, ताकि आपके आसपास वाली पड़ोसनी भी जल जाएं और आपके हस्बैंड भी आपसे इम्प्रेस हो जाएं? तो आपको क्या करना है कि शादीशुदा जो फीमेल्स हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि करवा चौथ वही रखती हैं। जो शादीशुदा नहीं है, आजकल तो सबको ही शौक है, लोग तो अपने रिलेशनशिप में भी रख लेते हैं, चार चार लोगों के लिए बदल बदल के करवा चौथ रख लेते हैं। इस तरीके से त्योहार को मजाक की तरह ना बनाएं। कितने स्कूल स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा फलाने से इतने टाइम से अफेयर चल रहा है, मैं इसके लिए करवा चौथ रखना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, जो हमारे रीति रिवाज बने हैं उनको उसी तरीके से रहने दें, उनकी वही मर्यादा रखें तो अच्छा है। ऐसी मजे मजे में कोई काम मत किया करें। तो खैर, जो शादीशुदा महिला है वो दुल्हन की तरह सुहागन के भेष में तैयार होती हैं। अगर आपकी इंगेजमेंट हो गई है, आप अपने फियांसे के लिए रखना चाहती हैं, तो भी आपको दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। इसके लिए अच्छे कलर्स रहते हैं, रेड, पिंक या कोई भी मांगलिक कलर्स आप पहन सकते हैं। आजकल तो लोग ब्राउन ब्लूज भी पहन लेते हैं, लेकिन आप जरूर पहन सकते हैं। ब्लैक के अलावा आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, व्हाइट के अलावा कोई भी कलर पहन सकते हैं। शर्त यह उसमें कुछ एलिमेंट्स रेड का ऑरेंज का आ जाए, क्योंकि टाइम इतना मॉडर्न तरीके से चेंज हो रहा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप लाल 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 ही पहने, लेकिन हाँ, आप मांगलिक रंग जरूर पहने। इसके अलावा जो आप मेहंदी हाथ पर लगाएं, ये मेहंदी क्या कमाल की हो सकती है, मेहंदी कैसे निखर सकती है, कैसे मेहंदी ब्यूटीफुल लग सकती है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप आज ही जाएंगी मेहंदी लगवाने के लिए, या हो सकता है कल जाएं, तो मेहंदी आप जरूर लगाएं। मेहंदी के अलावा, मेहंदी से याद आया मुझे, मैं आपको कल बताने वाली हूँ कि मेहंदी से आप अपने हस्बैंड को कैसे बस में कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कल बताने वाली हूँ, तो हमारे साथ ही बने रहिएगा। मेहंदी के साथ आपको बताऊंगी कि आप चूड़ियां जरूर पहने। चूड़ियां जो है ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज लगती है। आप सोचेंगे मैं बताती तो हूँ लेकिन पहनती नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, सही वक्त आने पे पहनूंगी भी। करवा चौथ पे आप सबकी तरह मैं भी खूब सारी चूड़ियां पहनूंगी। तो ये चूड़ियां जो है, इनकी जो खनकन है, ये वापस से आपको रिबाइंड रिश्ते में ले जाती है, आपके सुहाग के रिश्ते को पक्का करती है। लेकिन चूड़ियां कांच की हो तो ज्यादा अच्छा, वो खनखन की आवाज जरूर आनी चाहिए। तो करवा चौथ पर आप दुल्हन जैसे श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं। मेहंदी में क्या खास करें, क्या मेहंदी में कर सकते हैं? अगर आपके हस्बैंड आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, या फिर आपको लगता है आपके हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तो ये सारी दिक्कतें मैं आपकी खत्म करूंगी खास ये दो दिन करवा चौथ के। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस तरीके से आप दुल्हन जैसे तैयार होंगी, सुंदर लगेंगी, तो आपके हस्बैंड और कहां जाएंगे। तो मेहंदी से जुड़ी तो मैंने आपको बहुत सारी सीक्रेट बातें बता दी, लेकिन वो आखिर डिटेल में तो कल ही बताऊंगी। कल और परसों दो दिन आपके पास हैं कि आप अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं, अपनी मदर इन लॉ को खुश कर सकती हैं, अपनी थोड़े से बलिदान से। करवा चौथ रखती हैं आप, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, बलिदान तो है, अब इस बलिदान के बदले आपको फायदा दिलाना तो मेरा प्रॉमिस है। तो और कैसे फायदा मिल सकता है आपको सिंदूर की मदद से, ये मैं आपको कल बताऊंगी। कैसे सिंदूर से आप अपने हस्बैंड को अपने हाथ में कर सकती हैं, ये भी हम कल जानेंगे। इसके साथ बहुत और सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्वेरियम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। एक्वेरियम देखने में कितना सुंदर लगता है, और कई बार हम सोचते हैं हाय कितना अच्छा लग रहा है, काश हम भी अपने घर में रख सकें, लेकिन मेंटेन कौन करेगा? इतनी मुश्किल बात नहीं है, जरूरी नहीं है आपको इतने बड़े बड़े एक्वेरियम रखने, आप इतना छोटा सा बाउल भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें जब मछलियाँ घूमती हैं तो हमारी आंखों को सुकून देता है। यही नहीं, अगर फेंगशुई और वास्तु के माध्यम से इसको सही दिशा में रखा जाए तो ये आपके घर में धन का वाहक भी बन सकता है, यानी कि पैसों की बरसात कर सकता है एक्वेरियम। कैसे, सुनिए। पुराने समय से ही आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे, घरों में तालाब होते थे, उनके पैलेसेस में तालाब होते थे, मछलियों को दाना डालते थे। या फिर अगर आप देखें कि बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, लोगों के बड़े बड़े घर हैं, उन लोगों ने भी एक्वेरियम रखे होते हैं। अगर आप फेंगशुई और वास्तु की नजर से देखें
एक्वेरियम जो है वो धन का वाहक होता है, यानी कि आपके घर में पैसे लाने का एक रास्ता भी बनता है। ऐसा भी मानते हैं फेंगशुई में कि जिन लोगों के घर में एक्वेरियम होता है उन लोगों के घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो कहाँ पे आपको रखना चाहिए अपना एक्वेरियम, किस तरह की मछलियाँ होनी चाहिए, कैसे बढ़ेगा आपका पैसा, ये जानते हैं। सबसे पहले आपको एक्वेरियम से जुड़ी कुछ खास बातें बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एक्वेरियम बहुत बड़े साइज का रखना है, आप छोटा एक्वेरियम भी रख सकते हैं। लेकिन आखिर एक्वेरियम रखना कहाँ है? एक्वेरियम रखना है नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप एक्वेरियम रखते हैं नॉर्थ में और उसका आप रेगुलरली पानी चेंज करते हैं, उसमें आप गोल्ड फिशेस रखते हैं, तो इससे आपका पैसा बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप एक्वेरियम रखते हैं अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में, तो इससे आपके परिवार में प्यार जो है वो बड़ा रहता है, आपको मेंटली सुकून मिलता है, आपके घर में कलह कलेश कम होते हैं, आपसी प्यार बढ़ने लगता है। तो एक्वेरियम जो है वो हर तरह की डायरेक्शन में अलग अलग असर देता है। अब अगर एक्वेरियम में आप मछलियाँ रखते हैं तो कितनी मछलियाँ रखनी चाहिए? आप एक्वेरियम में 8 गोल्ड फिशेस, 8 गोल्डन मछलियाँ और 1 ब्लैक फिश रख सकते हैं। टोटल 9 का टोटल अगर आप रखते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मेथी दाने से जुड़े कुछ खास टिप्स जानिए ताकि आपकी सेहत हो जाए फिट और करवा चौथ पे एंजॉय करने के लिए आप पूरी तरह से हो जाएं तैयार। तो ये जो मेथी दाने आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये आपकी किचन में भी हैं, और अगर नहीं है तो अब के बाद होने चाहिए, क्योंकि ये क्या कमाल करता है आपने सोचा भी नहीं होगा। कितनी फीमेल्स परेशान होती हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, शीशे में खुद के बाल यूं देखती हैं और कहती हैं हे भगवान ये बाल कैसे वापस आएंगे। आप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयर लॉस को कम करता है मेथी दाने। मेथी दाने जो है आपके बालों की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, हेयर डैमेज को रोकता है। लेकिन इसको खाएंगे कैसे? इसको आपको भिगो देना है। इसको भिगोने के बाद जब ये फूल जाता है तो इसको पीस लीजिए, पीस कर इसको अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके बालों की डाइट को पूरा करते हैं, आपके बालों को स्ट्रेंथ देते हैं और जो झड़ गए बाल होते हैं उन्हें वापस लाने में मदद कर देते हैं। अब सर्दियां आ रही हैं, आपके सिर में डैंड्रफ तो होगा ही, इसको कैसे कम कर सकते हैं? मेथी दाने की मदद से। सुनिए, इसको रात को आपने भिगो दिया, सुबह सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इसको मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसमें दही मिलाकर अपने स्कैल्प पर लगाते हैं, अच्छी तरह से लगाते हैं, मसाज करते हैं इससे, 30 मिनट्स तक अपने बालों को छोड़ देते हैं इसके साथ। उसके बाद जब आप अपने बालों को धोएंगे तो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। मेथी के दानों को पीस कर पेस्ट बना लें। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस मिक्सचर को रात को सोने से पहले पिंपल पर लगा दें, जहाँ जहाँ पिंपल है। सुबह इसको ल्यूकवॉर्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी से चेहरे को धोकर पेस्ट बना लें। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। इस मिक्सचर को रात को सोने से पहले पिंपल पर लगा दें, जहाँ जहाँ पिंपल है। सुबह इसको ल्यूकवॉर्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। इस उपाय से अगर आप लगातार इसको करते जाते हैं तो आपके पिंपल्स बिल्कुल हट जाएंगे और आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा ये मेथी दाने आपके वेट को भी कम कर सकते हैं। कैसे? सुनिए, क्योंकि एक तो इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसे खाली पेट अगर आप इनके दानों को चबाते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करता है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह 2 ग्लास मेथी दाने, मतलब इसको निगल कर या इसका पाउडर बना के रख लीजिए, मैं आपको बेस्ट कहूंगी, और इसके साथ आप 2 ग्लास पानी रख लीजिए, या फिर आप मेथी दानों का एक बड़ा चम्मच को 2 ग्लास पानी में रात भर भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को छान कर पी लीजिए, अगर ऐसे चबाने में मुश्किल लगता है, बस इतना करने से भी वजन घटने लग जाएगा। आपको क्या करना है, करवा चौथ आ रहा है, ये ध्यान से सुनिए। आपको मेथी दानों को पीस कर उसमें पानी दही बेसन मिलाना है। अब इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर कुछ देर के लिए लगाकर छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद आप चेहरे को धो लीजिए। अगर आपको सनबर्न है या आईज के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स हैं, तो डार्क सर्कल्स पे भी मेथी दाने जो पिसे हुए हैं, जो भिगो कर रखने हैं, उसके पेस्ट को लगा देते हैं तो ये डैमेज जो आपने अपनी स्किन पर किया है ये भी खत्म हो जाता है। आप जानेंगे वो खास तरीका जिससे आप कर सकते हैं मुझसे बात। तो सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे लिखकर भेजिए 150 वर्ड्स के अंदर, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल जिसमें डेट टाइम प्लेस होगा। खाली डेट कई बार आप लोग भेज देते हैं, मुश्किल बढ़ा देते हैं, तो पूरी बर्थ डिटेल्स भेजिए या फिर मत भेजिए, और अपनी हैंडराइटिंग, अपनी हथेली, अपनी तस्वीर भेजिए हमें,
और साथ में अपनी उम्र जरूर लिखिए, तो बाकी मैं आपने आपके हाथ देखकर आसानी से उस पर काम कर सकूं। और साथ में अगर हमारी किसी भी रेमेडी से आपको फर्क महसूस हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वो कौन सी रेमेडी है और क्या फर्क महसूस कर रहे हैं, हमें लिखकर भेज दीजिए, हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए आज हम हरियाणा के रेवाड़ी से हिना जैन का सवाल लेते हैं। हिना काफी चिंता में है, उनके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके पेरेंट्स को उनकी शादी की चिंता है, वो छत पर बाजरा डालती हैं और जानना चाहती हैं कि वो ठीक कर रही हैं कि नहीं। चलिए हिना से बात करते हैं। हिना, आपकी शादी का योग अगले साल अप्रैल के बाद है, आपकी मदर इन लॉ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से आप नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, आप अच्छे से उस रिश्ते को निभा पाएंगी और मैनेज कर पाएंगी। लेकिन हाँ, अपनी मदर इन लॉ से बदतमीजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये बताना मेरा फर्ज है। आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए बाजरा बिल्कुल ना डालें, अपने घर के आसपास डालें। छत पर चिड़ियों के लिए बाजरा डालते ही आपका राहु खराब हो जाएगा या किसी का भी राहु खराब हो जाता है। चिड़ियों के लिए बाजरा छत पर ना डाला करें, बाहर डाला करें। और अपने गले में एक चकोर मूंगा पहने, इससे आपके नेचर में आपका गुस्सा कम होगा लेकिन आपकी एनर्जी इंटैक्ट रहेगी। जानते हैं कल मैं क्या बात करूंगी? कल मैं आपको बताऊंगी कि मेहंदी से हस्बैंड को कैसे करना है कंट्रोल में, सिंदूर कैसे आपकी घर में ताकत बढ़ा सकता है, और मदर इन लॉ से रिलेशनशिप करें कैसे बेहतर। मदर इन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे ही ना समझा करें। अगर आपकी मदर इन लॉ आपके हस्बैंड से दिन में दो तारीफ भी आपकी कर देना, तो आपके हस्बैंड वैसे ही आपके दीवाने हो जाएं। तो कल ये सारी खास बातें मैं आपको सिखाऊंगी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।